स्टाइलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम हियर अगेन बक बक करने के लिए आ गई। तो ओके, तो इस बार मैं थोड़ा हट के कुछ वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैं प्लैनेट गई थी, तो आप लोग पूछोगे किस प्लैनेट क्या है, कहाँ है, लेट मी एक्सप्लेन। तो एज आई बिलोंग फ्रॉम कोलकाता, तो जैसे कि दिल्ली में सरोजिनी मार्केट होता है, फैशन हब वी ऑल नो, तो वैसे ही कोलकाता में है प्लैनेट। वहाँ पर भी मेट्रो से जाना पड़ता है या फिर लोकल ट्रेन भी है, वहाँ पर बस से भी जा सकते हो, ऑटो से भी जा सकते हो, तो आपके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एनीवे, तो उस प्लैनेट में इस बार मैं गई थी विंटर शॉपिंग करने के लिए। जैसे सरोजिनी मार्केट में विंटर के पहले या फिर समर के पहले लेटेस्ट ट्रेंड आता है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं, वैसे ही क्लोदिंग के लिए मैं वहाँ पर सिर्फ क्लोदिंग नहीं, बैग्स, कोई भी एक्सेसरीज, इयर रिंग्स, शूज, कुछ भी मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वेट, टडा, मेरी बैग बुकी। क्या हुआ कि मैं आपको पता है कि मैं जो बैग लेकर गई थी बीट्स वाली, तो थोड़ी शॉपिंग करने के बाद धीरे धीरे ये बैग भारी हो रही थी। तो मैंने क्या किया, वहाँ पर एक दीदी थी, वो ऐसे ना बैग बेच रही थी मेन मार्केट के बीचों बीच। तो मैंने कहा ये कितने का है, तो उन्होंने बोला कि 100 रुपये, और इसमें जिप भी लगा हुआ है। मैंने हाथ में लिया, इसका मतलब जो फैब्रिक है ना ज़्यादा भारी नहीं है, पतला है। तो मैंने कहा कितना देना है, तो बोले ठीक है आप 90 रुपीज़ दे दो। तो मैंने कहा ना, आई विल पे 60 रुपीज़। तो बोला क्या दीदी, ऐसा थोड़ी ना होता है, तो मैंने देना है तो दो। तो बोले नहीं नहीं ठीक है, फिर जाके 65 में ये मिला। ओके, तो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस बार मैं जो मतलब गई थी, मेरा माइंड सेट में था 3 कलर, फर्स्ट इज लैवेंडर, सेकंड इज पिंक, थर्ड इज मिंट ग्रीन। मतलब मुझे ये तीनों कलर में कुछ लेना था, क्योंकि मेरा जो विंटर कलेक्शन है, मेरा पूरा ही वार्डरोब विंटर का या तो ब्लैक या फिर बेज जैसे ही ज्यादा है। तो आई नीड सम पॉप अप कलर्स, आई वॉन्ट टू एड सम कलर इन माई वार्डरोब। तो हम लोग दमदम से मेट्रो में गए थे, फिर वहाँ पर प्लैनेट जो स्टेशन है, मेट्रो से उतर के गेट नंबर 3 से मतलब निकलते ही पूरा मार्केट शुरू हो जाता है। तो पहले तो ये 100-100 का या फिर 200 का जो भैया स्टॉल लेकर बैठे थे, वही देखकर चल रहे थे, पर ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा जो 100 का स्वेटर है ना, वही वो 200 का 300 में बेच रहे थे, और मतलब नेगोशिएट भी नहीं कर रहे थे। आई लिव इट। तो आगे चली गई, तो जाते जाते फिर मेरा माइंड में था कि मुझे एक ओवरकोट खरीदनी थी। मुझे बहुत शौक था कि एक पिंक कलर की या फिर पर्पल कलर की कुछ ओवरकोट खरीदना था, तो जो दुपट्टा होता है, तो पहले मुझे वो वाला पसंद आ गया था। तो गई थी मैं विंटर शॉपिंग करने के लिए, तो मेरा जो बजट है ना, उसका पहला जो मतलब अमाउंट मैंने स्पेंड किया था वो दुपट्टे के ऊपर। तो आज लेकर नहीं बैठी हूँ मैं, फिर कभी एक मतलब छोटा वाला हॉल कर दूंगी या फिर वीडियो कर दूंगी उसके ऊपर। तो आज बेसिकली विंटर के ऊपर ही चल रहा है। और क्यों मैं ली हूँ, क्योंकि वो ना सिल्क मटेरियल का था, और मतलब पहले भैया बोल रहे थे कि कितना करके, मैंने पूछे तो 250 करके पूछ रहे थे एक एक, तो मैंने कहा कि 2 लूँगी, बताओ कितना क्या होगा। तो बोल रहे थे 400 दे देना, मतलब 200 करके। तो मैंने कहा नहीं, आई विल पे 300, 150 करके एक, तो बताओ, तो हम ले रहे हैं 2। तो कुछ देर मतलब यू नो कि मैं चली जा रही हूँ, तो भैया छोड़ दो, नहीं लेना, नहीं भैया, मैडम जी आइए आइए, ठीक है। तो उस टाइम ना 150 में, जैसे कि मैं बोल रही थी, मिल रहा था। तो वो देखते देखते मुझे और एक पसंद आ गया, तो कुल मिला के पूरा 3 दुपट्टा खरीद ली। फर्स्ट टाइम मेरे बजट से 450 रुपीज़ आई स्पेंड ऑन दुपट्टा, मतलब विंटर शॉपिंग करने के लिए गई थी और समर क्लोथिंग के ऊपर दे दी। ओके, तो नेक्स्ट मैं आगे गई, तो वहाँ पर एक भैया बैठे थे 100-100 के स्वेट शर्ट या फिर। तो मुझे ऐसा है कि एक तो साइज में लेनी है, ऊपर से कलर भी ठीक ठाक, ऊपर से डिफेक्टिव पीस जो होता है वो लोग ज़्यादातर इंक्लूड करते हैं, तो वो भी छान के लाना है। तो इतना सोच सोच के मैं ये 3 पीस लेकर आई हूँ।
ये देखो, ये जो है हाई नेक जो स्वेटर होता है, मैं ये 3 ले आई। तो पहले तो ये बेसिकली मेरे पास इसका ब्लैक भी था एक, अब उसका कलर फेड हो चुका है, मुझे और ब्लैक भी खरीदनी है। इसके बाद शायद ही मैं और एक दिन जाऊंगी कुछ खरीदने के लिए अभी भी। तो मुझे कलरफुल चाहिए था, तो मैं 3 कलर मुझे पसंद आया, एक बीच में ना और एक वो कलर ब्लू कलर का पसंद आई थी, पर वो बहुत ही डिफेक्टिव था। यहाँ पर जो कॉलर का, मतलब ये जो यहाँ पर स्टिचिंग है ना, पूरा फाड़ा हुआ है, तो मैं इसको छोड़ के आई। वैसे ये 3 पसंद आई, तो ये 3 कलर, लाइक ये एक पिंक कलर की और सेकंड ये ऑरेंज वाली, ये ऑरेंज भी एक ही है, पर ये ना थोड़ा ठीक है, इसका पिंक वाला जो मटेरियल है ना, इसका ठीक है थोड़ा, ये बहुत ही हल्का है, पर वार्म के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ठीक है, मतलब एक लेयरिंग में चली जाती है। तो ये वाला ऑरेंज वाली, ये भी बहुत ही मतलब अच्छा है, और एक ये ब्लू सॉरी ग्रीन। ये पता, ये जब भी ये ग्रीन देखती हूँ ना, मैं मुझे वो जारा वाली जो है, नहीं होता है वो हैंडवेल, उसकी याद आती है, सेम कलर की थी ना ये इसकी। तो एनीवे ओके, तो ये 3 मैं 100 100 रुपये के, मतलब 300 में खरीद के ले आई। मैं एक स्टॉल में गई थी, तो वो स्टॉल में ना एक भैया वो जैकेट और कोट्स, ओवर कोट्स जो है वो बिछा के बैठे थे, तो वहाँ पर जाके 2 सेक्शन में वो लोग डिवाइड किए, एक 350 का जो शॉर्ट वाला जैकेट का, और लॉन्ग वाला जितना भी ओवर कोट होता है, ट्रेंच कोट जो भी है, वो सब 550 का बोल रहे थे। तो मैं वो शॉप पे गई, तो ये वाला पहले देखो, ये वाला जैकेट मैं लेकर आई 350 में, वही शॉप से 350 में। और ये ना बहुत, मतलब मुझे लगता है ना, मतलब इसका कलर थोड़ा डाउन हो गया है, मतलब जितना ब्राइट लग रहा है ना उतना ब्राइट है नहीं। जो वाइट वाला सेक्शन होता है ना, ये वाला उल वाइट, तो वो थोड़ा सा ऑफ हो गया है। शायद ही मुझे ड्राई क्लीनिंग के लिए इसको पहले ही भेजना पड़ेगा, नहीं तो मैं पहन नहीं पाऊंगी, क्योंकि उतना उसका ग्लेज, एक बार ड्राई क्लीन होके आ जाए तो इसका ग्लेज थोड़ा हो जाएगा आई थिंक। तो बाय द वे बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद आया। और इसका मतलब वर्म भी अच्छा है, इसका मतलब ऊल जो क्वालिटी है ना उसका अच्छा है। पॉकेट, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर पॉकेट है नहीं, बस एक डिज़ाइन किया हुआ है, बाकी ये ठीक है। तो ये मिला है 350 में। अच्छा, 350 में नहीं, एक्चुअली वो उनका प्राइस था 350, मैं बाद में बताती हूँ क्या हुआ था। तो और लास्टली मैं जो बोल रही थी आपको कि एक ओवर कोट खरीदने की बहुत ही शौक थी, बहुत ही मतलब मैं सोच रही थी, तो मुझे लैवेंडर वाली नहीं मिली, एक पर्पल वाली मिली थी, बट उसका ना लेंथ थोड़ा छोटा था। ये जैसे ओवर कोट ट्रेंच कोट के मतलब लेंथ में है, वो थोड़ा छोटा था, बट वो भी खूब मतलब अच्छा था, उसका कलर भी मुझे पसंद आया था, क्वालिटी भी अच्छा था, बट उसका मतलब वो लेंथ के लिए मैं उसको नहीं ली। और पता नहीं क्यों पूरा मार्केट में मुझे लैवेंडर कलर के कुछ नहीं मिला। एक वो मेन स्क्रीन में जो बोल रही थी, एक स्वेटर देख रही थी, 350 बोल रहा था, उसका क्वालिटी भी ना ऐसे भी नहीं है, मतलब लो क्वालिटी कलर वो है, बट इतना हाई प्राइस 350, आई वोंट पे दैट मच फॉर दिस क्वालिटी। तो ये रहा मेरा लास्ट में मेरा शो स्टॉपर। तो ये वाली जैकेट मुझे मिल गई थी फाइनली। एक्चुअली ना मैं फर्स्ट टाइम, मुझे मैं जब वो वहाँ से क्रॉस कर रही थी वो स्टॉल से, तो मुझे ये वाला जो जैकेट है मुझे पसंद आ गई थी, मुझे मैं देख रही थी उसको पसंद आ गई थी, तो मैं घूम फिर के, फिर मैं जब जा रही थी स्टॉल में, तो मैं सोच रही थी कि शायद ही मैं मतलब मुझे ना मिले वो, मतलब इतना वाइब्रेंट कलर है, अगर कोई ले लेगा तो मुझे नहीं मिलेगा, बट हाँ थैंक गॉड मुझे वहाँ पर जाके भी मिल गया है। और यहाँ पर दो दो पॉकेट दिया हुआ है दो साइड में, क्वालिटी अच्छा है। बाकी अगर गर्मी के हिसाब से बोलूँ, वर्म के हिसाब से विंटर के लिए अप्रोप्रिएट है। मैं ग्रीन वाली वुलन्स के नीचे मैं ये पहनी थी, इतना मतलब तब भी मुझे लग रहा था अरे बाप रे बहुत गर्म हो गई बस। और हाँ, जो प्राइस के मैं बोल रही थी, तो ये 550 और ये 350 एक ही स्टॉल से है, तो भैया को बोले भैया ठीक से प्राइस लगाओ कितना हो रहा है, तो बोले मैडम जी 900 हो रहा है, आप 850 दे दो।
उन्होंने कहा क्या, तो ठीक से प्राइस लगाओ, ऐसे थोड़ा बार्गेनिंग हुआ। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, ये और ये दोनों मिला के आई हैड टू पे 700 ओनली, मतलब 350 ईच। इसका तो पता नहीं, पर 350 में ये मतलब द स्टील। सो आई एम वेरी मच हैप्पी विथ माई शॉपिंग। तो ओके गाइज, दिस इज इट फॉर टूडे। एंड यस, इसका लिंक तो वैसे डिस्क्रिप्शन में दे नहीं सकती, तो वही बात, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लाल वाला घंटा दबाना मत भूलना, ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। सो टिल देन, टेक केयर एंड लव यू ऑल।